हाय गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग, वैसे तो ये व्लॉग मैं सुबह बनाने वाली थी, पर सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि आज कल क्लास थोड़े जल्दी जाना पड़ता है और सुबह 10 बजे जाना पड़ता है और आना भी लेट ही पड़ता है। तो ये व्लॉग मैं 2 बजे शूट कर रही हूँ क्योंकि अभी आई हूँ मैं। तो सोचा आज का व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और अभी हमने लंच भी नहीं किया है तो लंच बनाती हूँ। और बाहर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप लगी है तो आज धूप में बैठ के लंच करेंगे और आपको भी दिखाती हूँ लंच में क्या बनाऊँगी। सो गाइस, लंच बन गया है और ये देखो धूप पे बैठे हुए, इतनी मस्त और तेज़ धूप लगी है ना, मज़े ही आ जाता है सर्दियों में धूप में बैठने का। और लंच बन गया है तो मैं दिखाती हूँ क्या बनाया लंच में। ये देखो लंच में बनी है मैक्रोनी। घर में एक पैकेट मैक्रोनी का था, सोचा मैक्रोनी बना लेते क्योंकि आज हम दो ही है, नानी और सिस्टर भी चली गई। वैसे वो मेरी रियल सिस्टर नहीं थी बट मेरी मासी की बेटी थी तो वो दोनों चले गए, तो अब मैं और मेरी छोटी सिस्टर ही है। तो सोचा आज ये बना लेते हैं और अब लंच करते हैं धूप में मस्त, और आपसे मिलते हैं लंच करने के बाद। सो गाइस, लंच करने के बाद मैं रूम पे आ गई थी और रूम में आने के बाद मैंने थोड़े से बर्तन धोने थे वो धो लिए, और रूम की सफाई करनी थी वो कर ली। और फिर मैं बोर हो रही थी तो मैं सोचा अंदर ही बैठती हूँ, तो मैं अंदर ही बैठ गई गम्बल लेके। और टाइम पास के लिए मेरे को अपने नेल से नेल पेंट रिमूव करने लग गई। और अभी जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा मौसम, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा अच्छी धूप लगी थी लेकिन अभी देखा, ओह माय गॉड, पूरा मौसम ख़राब है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखा आपने, अभी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है और पहले धूप इतनी अच्छी लगी थी और अभी पूरा बादल बादल हो गया। सो गाइस, डिनर का टाइम हो गया है और डिनर में आज कुछ स्पेशल बना है जो मम्मी ने बनाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना है। जिसे पता होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्या है, और जिसे नहीं पता होगा उसे मैं बताती हूँ। ये देखो, ये है सिड्डू पहाड़ियों की स्पेशल स्पेशल डिश होती है ये, मतलब हिमाचल में बहुत ज़्यादा बनाते हैं सभी घरों में सिड्डू। और आप जो पकाने को इन्हें लगाते हैं तो पकाने को लगाते हैं इनको, और फिर आपको दिखाती हूँ उसके बाद। वैसे हिमाचल में काफ़ी जगह से चटनी के साथ भी खाया जाता है बट हाँ, इस साइड से घी के साथ खाया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ पकने के बाद। सो गाइस, डिनर रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखो आज का स्पेशल डिनर जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो हम करते हैं ये टेस्टी टेस्टी डिनर और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।